गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न टू नो अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को समझेंगे। क्या होता है रिसोर्सेज और उसका डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज इसके बारे में आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 7, 8, 9 तीनों क्लास में आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज वैसी वस्तुएं जो हमारे नीड्स को पूरा करें, जो हमारे इन्वायरमेंट में है और वह हमारे नीड्स को क्या करती है, पूरा करती है। और उसका भले ही हम लोग नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ जो है हम लोग टेक्नोलॉजी, कुछ हम लोग जो इकोनॉमिकली कल्चरली वो हमारे नीड्स को पूरा करते हो, वो सारे चीज़ें जो है हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अब आप अपने आसपास देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखाई पड़ रहा है आपको और लग रहा है कि उससे हमारे कुछ नीड्स पूरा हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अब घर में अपना देख लीजिए, आपके घर में निश्चित रूप से पंखा होगा, टीवी होंगे, कूलर होंगे, बेड होगा, कंप्यूटर होगा, बुक्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। डैट इज रिसोर्सेज, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है जो हमारे नीड्स को पूरा करता है। तो ये तो बात होगी रिसोर्सेज। अब यदि इसका डिफिनेशन की बात करें तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकल अवेलेबल, फिशिएबल, कल्चरली अवेलेबल, ये सारी चीज़ जो है हम लोग उसको रिसोर्सेज के रूप में ले सकते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। सिंपल सी बात समझिएगा, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे नीड्स को पूरा करे वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे नीड्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जो हमारे लिए एक रिसोर्सेज के रूप में हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसको मेनली हम लोग जो है चार प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन तो हमारा ओरिजिन के हिसाब से हो जाएगा, नंबर टू एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हो जाएगा, नंबर थ्री हमारे लिए इसका जो ऑनरशिप है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, और नंबर फोर हम लोग इसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ों के बारे में अपन समझेंगे थोड़ा सा बढ़िया से, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से। तो ओरिजिन तो निश्चित रूप से दो ही चीज़ होता है, एक तो हमारे यहाँ लिविंग है और एक हमारे लिए नॉन लिविंग है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं हमारे आसपास में जो दिखाई पड़ेगा, या तो फिर लिविंग होगा नहीं तो फिर नॉन लिविंग होगा। तो जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बायोटिक है, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, बायोटिक है, और जितने लिए नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो हमारे लिए अबायोटिक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि लिविंग कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन सा है, तो फ्लोरा एंड फाउना हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे लिए फिशरीज हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब अबायोटिक जितने नॉन लिविंग है, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, रॉक्स हो गया, माउंटेन हो गया, ये सारी चीज़ हमारे लिए क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, जो है वह क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किस हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को क्वालिफाई किए हैं, तो उसके बाद आता है हमारा जो है वह है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। इसके हिसाब से दो प्रकार का है, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। डियर स्टूडेंट, रिन्यूअल रिसोर्सेज क्या होता है कि जो बहुत दिनों तक कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, हम उसका यूज करते फिर हमको वो फिजिकली या केमिकली मेथड से पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल रिसोर्सेज। अब जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई जो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
सोलर सिस्टम, ये सब क्या है, सब रिन्यूअल है, यानी कि हम लोग इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूअल क्या है, वैसी चीजें जो सीमित मात्रा में हमारे पास है और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के ले सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ क्या होगा कि एक दिन खत्म हो जाएगा, या फिर इसको बनाने में बहुत हजारों साल लग जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोयला जो है एक दिन का नहीं बना हुआ चीज़ है, हजारों साल लग जाते हैं इसको बनाने में। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। उसके बाद थर्ड में आते हैं हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या है, तो ऑनरशिप चार प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारा इंडिविजुअल, यानी कि हमारा अपना जो अपना रिसोर्सेज है, अपना रिसोर्सेज क्या हो सकता है, मेरा अपना जो ज़मीन है, हमारा अपना जो प्रॉपर्टी है, हमारा अपना जो स्किल है, वो सारा मेरा इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी, तो कम्युनिटी देखिए कौन कौन सा चीज़ है जो समाज सभी लोग भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई रिवर है, पॉन्ड है, पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगे हमारे लिए कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि कम्युनिटी बेस जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे लिए एक होता है नेशनल, यानी कि पूरे राष्ट्र का, भारत, पूरे भारत का जो है वो हमारे लिए नेशनल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई ऐसा चीज़ें हैं जो बिलोंग करता है पूरे नेशन से जुड़ा हुआ, तो पूरे नेशन से जुड़ा हुआ, जैसे मान लिया जाए कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारे उस पर किसका है, लैंड विद इन द जो वाटर रिसोर्सेज है, वह सारे जो लैंड है जो भारत का किसी कंट्री के इंटरनल में आते हैं, तो वह सारे जो होते हैं वह नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो अब ऐसे तो मान लिया कहा जाए कि तब तो सर सब अभी ख़त्म हो गया, अब चौथा कौन सा हो सकता है, क्योंकि जब एक नेशनल है, नेशन है, तो पूरा नेशन जो है वह टेरिटरी का बना हुआ है, तो सब उसके अंदर का जितना चीज़ें हो गया सब वो नेशनल रिसोर्सेज हो गया। लेकिन एक और रिसोर्सेज है जिसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि उस पर सारे कंट्रीज का जो है वह अधिकार जो है वह रहता है। इसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा एक जोन है जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो ओशनिक जो है वहाँ पर 200 नॉटिक माइल्स पे फैला हुआ है, उस पर सारे कंट्रीज का अधिकार है, कोई एक कंट्री जो है उस पर नहीं कह सकता है। अब इस पर अधिकार कौन देखा सकता है, तो हमारे लिए जो एक इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसा हम लोग WHO का नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, वो उसके मान्यता के द्वारा हम उसका प्रयोग जो कोई कंट्री जो है प्रयोग में ला सकता है, या फिर वह किसी देश के सेफ्टी को लेकर जो है प्रयोग में ला सकता है। अब लास्ट हम लोग का एक बचा हुआ है कि बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को बहुत भाग चार भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला हम लोग समझ सकते हैं कि पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, वैसे रिसोर्सेज जिसकी संभावनाएं हमारे पास है लेकिन हम लोग अभी उसका यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हम लोग ये जो है हम लोग उसका प्रयोग में ला सकते हैं कि जी, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं। जैसे क्या चीज़ का, तो सोलर एनर्जी का, वहाँ पर सनलाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी गिरता है, तो उसका हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ला सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो वह सारे जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो सका है, हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं, वो क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक आता है। स्टॉक का मतलब क्या होगा कि हमारे पास है, बहुत रिच रिसोर्सेज है, लेकिन अभी हम लोग जो है उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं। जैसे वाटर देख लीजिए, वाटर क्या है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वाटर का जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O। अब यदि हम उसको अलग करना जान जाए कि हाइड्रोजन को कैसे अलग कर दे और ऑक्सीजन को कैसे अलग कर दे, तो सोचिए हमारे पास वाटर की मात्रा कितनी है और कितना हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह आ जाएगी, जिसका प्रयोग हम लोग एनर्जी में कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्व क्या है कि इसका हम प्रयोग करना जान रहे हैं, हाँ करना जान रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग रखे हुए हैं कि हाँ बाद में हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिवर के द्वारा होना, और इंडिया में जान रहे कितने सारे रिवर हैं, तो उन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग जो है ये कर सकते। तो वैसे रिसोर्सेज जिसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर में करने के लिए रखे हुए हैं, उसका प्रयोग करना जान भी रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है रिजर्व रिसोर्सेज में रखा गया है। तो ये हो गया टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जान लिए। अब आगे जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए यहाँ तक पढ़िए, समझिए, जो प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से पूछिए। हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ्टी। थैंक यू।